हेलो फ्रेंड्स, zarirecipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को ब्रेड से बने एक ऐसी टेस्टी नाश्ता मैं बताऊंगी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बच्चे इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ 4 से 5 पीस इस तरह से आप ब्रेड ले लीजिए। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए और इसको ग्राइंडर में पीस लीजिए थोड़ा। तो देखिए, हमने बारीक इसको ग्राइंडर में पीस लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे, सबसे पहले मिलाएंगे हम इसमें थोड़ा सा, एक कटोरी हमने यहाँ सूजी लिया है और हम इसको इसमें दही मिलाएंगे। एक कटोरी हमने इसमें दही लिया है, दही भी ऐड कर देंगे। बाकी हम ये बारीक कटी हरी मिर्च है, ये एक छोटी चम्मच बेकिंग सोडा है, ये लाल मिर्च पाउडर है, छोटी चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, धनिया लिया है बारीक कटा हुआ हरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, अदरक लिया है, लहसुन, हल्दी पाउडर, ये अदरक है, बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च है, ये हमने बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है एक पीस। और हम अब मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा पानी और हम इसका पैटर तैयार कर लेंगे। इसका जो है आप ऐसा पैटर तैयार कीजिए कि ये तवे पे अच्छे से फैले और हम इसमें 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे। तो देखिए, हमने 15 से 20 मिनट तक इसको सेट होने के लिए रखा था। अब हम गैस पे तवा को गर्म होने के लिए रख दिया है। इस पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा डालना है, इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है। अब हम इस पर, तवा मेरा गर्म हो चुका है तो हम इस पर डाल देंगे ये बैटर और बहुत ही आसानी से आराम से इसको धीरे धीरे फैला लेंगे। इसको थोड़ा पकने में टाइम लगता है तो आप इसको लो फ्लेम पे ही धीरे धीरे आराम से पका लीजिए। और इसके साइड साइड से आप तेल डालिए। थोड़ी देर जब ये ऊपर से थोड़ा हल्का हल्का दिखने लगे कि ये अच्छे से नीचे से पक रहा है तो आप धीरे धीरे चेक कीजिए कि नीचे जल तो नहीं रहा है और इसको धीरे से आराम से पलट लीजिए। तो देखिए, हमने इसको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा तेल डाल के और पलट पलट के अच्छे से सेक लिया है। हम इसको आप ब्रेड उत्पम भी कह सकती हैं। तो हमने आराम से बना लिया है। इसे आप इस वीडियो को देख के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल सीमा तिवारी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।